नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं फिर से एक बार शबनम की बात करती हूं। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। फैक्ट के साथ मैं आपके सामने शबनम से जुड़ा हुआ अपडेट आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पूरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं बात करती हूँ शबनम की। मैंने करीब 3-4 दिन पहले फूलन देवी पे एक वीडियो बनाया था। फूलन देवी ने बहुत बहुत बड़े बड़े गुनाह किए। अगर हम देखें उसकी लाइफ को तो काफी उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव, नफरत, प्यार, अहंकार, बहुत सारे चीजें उसके करेक्टर में हमको दिखाई देती हैं। लेकिन मैं आपसे चूंकि शबनम की बात करने जा रही हूं तो मैं आपको बताती हूँ कि फूलन देवी ने अपने जीवन काल में 22 हत्याएं की उसने और 30 डकैती डाली और 18 के करीब उसने अपहरण किए। ये जो मैं आपसे फिगर शेयर कर रही हूँ ये वो हैं जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है। इसके अलावा उसने और क्या क्या गुनाह किए ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने उसकी फाइल नहीं देखी। ये जो मैंने आपसे शेयर किया है 22 हत्याएं, 30 डकैती और 8 अपहरण के केस, इसके लिए उसको 11 साल जेल में रहना पड़ता है। और मैं यहीं रोक करके आपको ये बताती हूँ कि शबनम ने जो शबनम पे चार्ज फ्रेम है जिसके लिए उसको फांसी की सजा दी गई है, उसने 7 लोगों को ख़त्म किया और ये भी कहते हैं कि उसने अपने प्रेमी के साथ किया। तो 7 हत्याएं हैं उसकी फाइल में। और जब मैं फूलन की बात करती हूँ तो वो केवल 11 साल जेल में रहती है, और जब मैं शबनम की बात करती हूँ तो वो करीब जो है वो 14 साल से अधिक समय हो गया उसको जेल में सजा काटते हुए, और अभी न जाने कितने दिन वो सजा काटेगी। लेकिन अब मैं आगे की बात आपको बताती हूँ जिस पे मेरा मेन फोकस है। जिस समय फूलन देवी जेल में थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। ये बात है 1993 की, और मुलायम सिंह ने एक बड़ा फैसला किया, फूलन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए। हाँ, फूलन ने सरेंडर किया था क्योंकि वो डाकू थी, लेकिन शबनम डाकू डकैत कुछ नहीं है। और बाकी सब मैं आपसे बात करती ही रहती हूँ किस तरीके से पुलिस ने चार्ज फ्रेम किए, कैसे कैसे पूरी कहानी होती है। और फूलन जो है 1994 में जेल से रिहा हो जाती है। यानी कि ये जो मैंने इतनी सी आपको कहानी बताई है, मेरा लबोलवाब ये है कि जो सूबे के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर होती है। वो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। और अब शबनम की जो वकील हैं वो इस और भी काम कर रही है। उनकी वकील हैं हाईकोर्ट की वकील एडवोकेट सह नकवी, वो इस लाइन पे भी काम कर रही हैं। उन्होंने सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी उन्होंने शबनम की ओर से गुहार की है।
कि देखिए फूलन पर देखा जाए तो शबनम से ज़्यादा हत्याओं के आरोप हैं। हालांकि किसी की जान लेना, किसी एक की भी जान लेना कोर्ट की नज़र में तो है ही, लेकिन मैं पर्सनली मेरी नज़र में भी गुनाह है। लेकिन शबनम की कहानी में बहुत सारे झोल हैं, इतने सारे झोल हैं कि आप उनके कड़ियां जोड़ेंगे और उसके बाद उनको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि शबनम के पूरे मामले में प्रॉपर्टी जो है वो मेन लीड करती हुई नज़र आती है। खैर, जो शबनम को लेकर के लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं वो उन सब का हम सब लोग स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट कई बार अपने फैसलों को बदलता है कई बार, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं, जो मैंने मेरे ही सामने देखे हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में अपने फैसले, और फिर इवन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं उनको बदला गया। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो पुलिस ने चार्ज फ्रेम किए हैं वो सही हो, और ये बहुत बहुत तेज़ आवाज़ उठ रही है कि जो शबनम पे आरोप है वो उसको फंसाया गया है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, हर दिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अगर मैं एक मिनट के लिए छोड़ भी दूं कि शबनम को ताज के लिए छोड़ा जाए, ठीक है शबनम को ताज के लिए आप ना छोड़िए, लेकिन शबनम पे जो फ्रेम लगे हैं, जो उस पर आरोप लगे हैं, क्षमा करें, जो उस पर आरोप फ्रेम किए गए हैं, इतनी जल्दी में कि मतलब दो ही दिन में उन्होंने इतना बड़ा केस सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो सूबे की जो मुखिया थी मायावती, उसको पुलिस के अधिकारी ये बता चुके थे कि उन्होंने केस खोल लिया है, और अब अगर वो केस उन्होंने नहीं खोला तो फिर उनको तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता ना। मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर शबनम को सज़ा नहीं होती तो ऐसे जो अपराध हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। मैं मानती हूँ ऐसे अपराध बढ़ जाते हैं, लेकिन आप पहले जो अपराध है उसको देखिए, आपका और हमारा काम नहीं है उसको देखना, उसको देखना कोर्ट का काम है। और अब मैं आती हूँ पॉइंट पर कि शबनम की जो एडवोकेट है सहन नकवी, उन्हें बहुत उम्मीद है सूबे के मुखिया से, यानी कि आदित्यनाथ जी से, योगी जी से, कि वो शबनम के जो सात खून है उनसे माफ़ करेंगे। फरियाद वहाँ तक पहुँच चुकी है, और इन दिनों योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिनको हम आम भाषा में गुडी गुडी बोलते हैं। शबनम 14 साल से जेल में है, और कितनी जल्दी फूलन देवी को जेल से बाहर करवा देते हैं मुलायम सिंह, बाकायदा उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। शबनम को किसी पार्टी में शामिल नहीं होना है। शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षा मित्र रही है वो, शबनम का बेटा है, और हमारे देश में आज तक कभी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। तो सबका दिल यही कहता है कि शबनम को भी हमारा देश फांसी नहीं देगा, उसकी सज़ा कम करेगा। कुछ से ये भी कहते हैं कि मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो ये बातें सब कहते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें कानून के ज्ञानी भी हैं, वो सब ये बात कहते हैं कि शबनम को प्रॉपर्टी के लिए फंसाया गया है, और जब पुलिस की मार पड़ती है तो कोई भी जो एक मासूम व्यक्ति होता है
वो उसकी मार से बचने के लिए कुछ भी कबूल कर लेता है। और यही यही हुआ है शबनम के साथ। और अब चूंकि शबनम बार बार ये कह रही है कि उसे मीडिया से बात करनी है, उसको मीडिया ट्रायल किया जाए, कुछ भी नहीं है तो उसके पूरे केस की सीबीआई से जांच करवाई जाए, ये भी एक लॉजिक है, इसको भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहे, जैसा कि मुलायम सिंह ने चाहा और उसके सारे अपराध माफ कर दिए और उसको 11 साल के बाद वो जेल से बाहर आ गई, मैं बुलंदेवी की बात कर रही हूँ, तो मुलायम सिंह जी से तो बहुत 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 अच्छा सोचते हैं योगी जी, हालांकि वो किसी भी अपराधी को छोड़ते नहीं हैं, किसी भी गलत काम करने वाले को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब सारी चीज़ें पूरी फाइल वो पलटेंगे शबनम की और ये देखेंगे कि वो 14 साल से है, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उसको प्रॉपर्टी को लेकर के उसको फंसाया गया है, तो शबनम की जो वकील हैं सैन की, उनको पूरा पूरा भरोसा है, वो हर लीड पे काम कर रही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को अपील किया हुआ है फिर से, उन्होंने इससे पहले प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन से अपील की थी, जिसका उन्होंने बहुत अच्छा उन्हें रिप्लाई मिला। अब उन्हें योगी से बहुत उम्मीद है कि वो इसमें बहुत कुछ अच्छा सा उनको रिप्लाई देंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ऐसा लगता है कि शबनम के भी जो अपराध हैं, जो गुनाह हैं, माफ किए जा सकते हैं। जिस तरीके से फूलन, जो एक तरह से मतलब डर का पर्याय थी, हालांकि मैं फूलन देवी जी के लिए भी ये कहती हूँ कि उन्होंने किस वजह से वो राह चुनी ये तो उन्होंने कभी भी नहीं बताया, लेकिन हाँ शबनम की मैं बात करूँ तो शबनम उन अपने भाइयों को, उस छोटे बच्चे को वो कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकती जैसा कि पुलिस बयां कर रही है, जैसा कि पुलिस ने उसकी फाइल में उसके बयान दर्ज किए हुए हैं। शबनम को भी पता है, वो पढ़ी लिखी है, वो डबल एम ए है, उसको पता है कि मैंने ये बयान दिया है। लेकिन अब जब वो ये कह रही है कि मुझे मीडिया के सामने आना है या मेरे पूरे केस को दोबारा रीओपन किया जाए, मैं मेरे केस को जो है सीबीआई से जांच करवाई जाए, तो अब उसे ये समझ में आ रहा है, जेल में रह करके अपराधी बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें कानून की बारीकियां भी शामिल हैं। और ये बात सैयद नकवी भी जानती हैं, उन्होंने भी पूरे केस की बहुत तह तक जा करके ये समझा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ही रीज़न है। तो अभी देखिए योगी जी के सामने जब ये उनकी गुहार जाती है तो वो क्या फैसला लेते हैं। चीज़ें सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनकी वकील साहिबा को बहुत भरोसा है, पिछले दिनों उन्होंने इस लाइन पे काम करना पिछले दिनों से शुरू कर दिया है, और पूरी उम्मीद है कि वो शबनम को उनके जो गुनाह हैं उनको ठीक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगी कि वो गुनाहगार हैं भी हैं कि नहीं हैं, और योगी जी अगर चाहें तो उनको जीवन दान दे सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? शबनम को लेकर के अक्सर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, और मैं एक चीज़ और बता दूँगा आपको, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप शबनम के लिए बात करती हैं, आपको शबनम में क्या इंटरेस्ट है? तो मैं आपको बता दूँ कि शबनम में मेरा सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि वो एक महिला है, और ये जो गुनाह है ये एक प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है, इसके पीछे पूरा जो मकसद है प्रॉपर्टी है, और शबनम एक बच्चे की माँ है, मैं इसलिए भी उसकी बात करती हूँ, हालांकि वो बच्चा बहुत सुरक्षित था तो मैं, लेकिन फिर भी बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शबनम को फांसी होनी चाहिए, अगर उसको फांसी कोर्ट देगा, फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन
शबनम के पास विकल्प हैं, अगर उसके विकल्प खत्म हो जाएंगे तो उसको यकीनन फांसी होगी, लेकिन अगर योगी जी चाहेंगे उसको जीवनदान भी मिलेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपनी राय मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपने दोस्तों में से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।